दत्ती कहते हैं बेस स्वागत करता हूँ। और इस एपिसोड में हम लोग एक ऐसे रूल के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप अपने सारे दुश्मनों को अपने सबसे सबसे ज्यादा लॉयल पीपल बना सकते हैं, जो आपके वफादार रहे। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, एक मैं कहानी के रूप में बताने वाला हूँ। और ये कहानी पता है किसकी है, एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने पूरी कहते हैं पहली बार पूरे चाइना को एक ही रूल में कर दिया था। मतलब इतना पूरा चाइना बस उसके रूल में आ गया था, पूरा चाइना। सोचो अब ये कैसे किया। हम मेरे दोस्तों एंड तक देखेगा क्योंकि ये सीक्रेट मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। हम लोग एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले थे जिससे कि हम लोग अपने सारे दुश्मनों को हमारे सबसे लॉयल वफादार बना दे। अब ये कैसे करेंगे हम, एक कहानी के रूप में देखते हैं। तो एक इंसान था, वो उसने पूरे चाइना को पूरे चाइना को अपने कब्जे में कर लिया था। अब ये कैसे किया, चलो देखते हैं। चाइना जो है ना, कहते उधर बहुत सारे कहते मारकूट होती रहती थी। देखो एक नया एम्परर बनता था तो फिर उसे कहते हैं उसके जनरल जो होते थे वो मार देते थे, और फिर एक और एम्परर बन जाता था फिर उसे भी लेके मार देते थे, और फिर ऐसे ही होता रहता था। कोई भी पूरे चाइना के ऊपर कब्जा कर ही नहीं पाता था क्योंकि वो तो मर ही जाते थे उससे पहले। इसलिए मेरे दोस्तों अब एक और एम्परर बना। अब उसने सोचा कि यार मैं भी मरने वाला हूँ कुछ सालों में, अब क्या करूं मैं। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब मैं ये साइकिल को कैसे तोड़ू। तो उसने क्या किया, उन्हें सारे जनरलों को सारे उनको पार्टी में बुलाया और उनसे कहा कि मेरे दोस्तों कि तुम लोग तो मैं जानता हूँ कि तुम लोग में से कोई अगर तुम्हें कोई आके बोले कि मैं अगर तुम्हें एम्परर को मार के दे दूंगा और तुम्हें एम्परर बना दूंगा तो तुम कौन हानि गएगा। लेकिन ऐसा क्यों करना, तुम लोग इतनी टेंशन लो, इतना सब कुछ लो, एम्परर बन के कहते जंग लड़ो, ये सब करो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम्हें इस कहते दौलत दूंगा, तुम्हें जगह दूंगा, जमीन दूंगा अच्छी वाली, अच्छे घर दूंगा और अच्छे अच्छे लोग दूंगा, तुम उन पे राज करो और मेरे नाम से राज करो, मैं तुम्हें एक नोबल बना दूंगा। अब उन्हें लगा यार ये तो अच्छा आइडिया है, हम लोग ना वॉर करेंगे ना कुछ, हम लोग अपनी जिंदगी ऐशो आराम में जिएंगे। तो सब लोगों ने अपना रिजिग्नेशन दे दिया और वो बन गए एक शेर की जो लॉयन होता है ना, लॉयन की पैक होती है उससे जैसे, फिर वो कहते उसकी तरह बन गए, शीप की तरह। तो एकदम हार्मलेस हो गए। अब वो कहते हैं अब किंग को खतरा निकल गया जनरल से। अब क्या हुआ, जनरल्स ने जो इतने वफादार हो गए थे, अब उनने क्या किया, उनने एक ऐसा इंसान ढूंढा जो उनके अगेंस्ट आ रहा था, किंग के अगेंस्ट, और कॉन्स्पायर कर रहा था किंग के अगेंस्ट। तो फिर किंग ने कहा कि किंग ने उस इंसान को बुलाया और उनने कहा मेरे दोस्त ये सारे पेपर ले लो। अब ये और जब ये पेपर ले लिए और अपने घर पहुंचोगे ना, घर के आधे रास्ते पे खोल लेना। तब वो पहुंचा आधे रास्ते पे, उसने कहा, उसने खोला और उसने देखा उसमें सारे पेपर में लिखा है कि ये आपको मारने वाला है। और वो उसे पता लग गया कि किंग को पता था कि वो मारने वाला है, लेकिन तो भी उसने उसे सेकंड चांस दी, इसीलिए वो इंसान भी उसका सबसे लॉयल लाइक राइट हैंड मैन बन गया। तो देखो उसने अपने सारे दुश्मनों को हायर करा और फिर वो सबसे ज्यादा लॉयल पीपल हो गए। अब एक और ऐसा इंस्टेंस बताता हूँ इस इंसान के बारे में। उसने एक एक एरिया के ऊपर कब्जा किया था चाइना में, और जो किंग था उसे बुलाया और उसे कहते हैं उसे बुलाया और उसे हाथ में वाइन दी कि हम लोग अब दोस्त बन गए, ये टोकन लो मेरे मतलब गिफ्ट का। तो फिर दिया और उन्होंने कहा